निसान मैग्नेट के इंटीरियर साइड में बैठे हुए, और निसान मैग्नेट में आपको बताना चाहेंगे आज का ड्राइव रिव्यू। बेसिकली दो इंजन आपको देखने के लिए मिलता है मैग्नाइट में, एक 1.2 लीटर का नॉर्मल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड जो हम लोग चला रहे हैं अभी, ये 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, और आपको एक मिलेगा टर्बो इंजन, और एक आपको CVT ऑप्शन भी मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि 3 ऑप्शन में आपको मैग्नाइट का इंजन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको वेरिएशंस मिलते हैं गाड़ी समझने का, चलाने का, लेकिन ये जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको CVT का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, और कुछ टॉप एंड वेरिएंट्स में जाइएगा तो आपको टर्बो का ऑप्शन भी देखने के लिए लगभग मिलने लगेगा। तो नो डाउट इंटीरियर तो उतना कुछ खास नहीं है मैग्नाइट का, बहुत ही बेसिक इंटीरियर आपको दिया जाता है। तो बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में आपको ये स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो ये आफ्टर मार्केट चीज़ लगा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलता है, तो डिजिटल ही मिलेगा, लेकिन जो टॉप एंड वेरिएंट्स में दिया जाता है थोड़ा और भी चीज़ को इन्हेंस करके, तो उस टाइप से आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिसिंग रहेंगे इसमें, आपको बटन्स वगैरह भी मिसिंग है, ये आफ्टर मार्केट सारे चीज़ किए हुए हैं। अब बात आता है इंजन का कैसा रिस्पॉन्स है। इंजन के रिस्पॉन्स अगर आप हायर गियर्स में हैं और अच्छे खासे स्पीड में, जैसे 60-70 की स्पीड में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो आपको ठीक ठाक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। गाड़ी में ऐसा दिक्कत नहीं है, बॉडी रोल का भी कोई ऐसा झंझट नहीं है। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे है, सस्पेंशन आप जब हायर स्पीड्स में गाड़ी को टर्न कीजिएगा तो थोड़ा गाड़ी आपको लगेगा कि एक साइड का बॉडी झुक रहा है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जैसे गाड़ी जब हायर गियर्स में है तो थोड़ा बड़ा जो टर्निंग वगैरह है वहाँ पर आपको दिक्कत गाड़ी की तरफ से नहीं मिलेगा। एक शिकायत क्या आ रहा है कि अब जो टर्बो CVT इंजन, आप पहले के वीडियोस में देखे होंगे कि टर्बो CVT इंजन का हम लोग ने रिस्पॉन्स देखा था, तो टर्बो CVT में आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है, और वही एज़ कम्पेयर टू 1.2 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। टर्बो CVT जो आता है वो 1 लीटर का इंजन में आता है, उसमें आपको बढ़िया खासा पावर टॉर्क मिलता है, 103 BHP का पावर और 160 NM का टॉर्क। इसमें तो आपको वही 84 BHP और 115 NM का टॉर्क, वही आपको स्टैंडर्ड जो बाकी सारे गाड़ियों में आप देखे होंगे वही आपको इसमें भी दिया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये कम कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी आपको माइलेज कम देता है एज़ कम्पेयर टू टर्बो CVT। टर्बो CVT में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑब्वियस मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको माइलेज ज़्यादा मिल रहा है। आप ये विश्वास करने जैसा चीज़ नहीं है, लेकिन यही रियलिटी है कि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिएगा और यहीं आप टर्बो लीजिएगा, टर्बो में ज़्यादा माइलेज है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अगर आप मैग्नाइट की तरफ जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि टर्बो तक एटलीस्ट आप हैंडल करिए, और एकदम अगर आप मैग्नाइट के ऊपर ही हैं कि आपको मैग्नाइट लेना है, फिलहाल तो फेसलिफ्ट भी आ गया है लेकिन इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, इंजन आपको वही मिलता है मैग्नाइट में जो पहले दिया जाता था। फीचरिस्टिक चेंज किया गया है, इंटीरियर भी लगभग आप देखिएगा तो सेम ही इसी टाइप का इंटीरियर अभी भी मैग्नाइट में मिलता है, थोड़ा स्टीयरिंग वगैरह आपको चेंज कर दिया गया है। तो लेकिन बात क्या है ड्राइव इंप्रेशन पे, लोअर गियर्स में जैसे टाटा के पंच वगैरह है लोअर गियर्स में, वो थोड़ा बबलिंग करती है, लोअर गियर्स में गाड़ी को बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसी टाइप से आपको निसान के मैग्नाइट में भी थोड़ा महसूस होगा ये चीज़ कि लोअर गियर्स में आपको गाड़ी को बढ़ाने में थोड़ा सा गाड़ी लगेगी, ताकत लगा रही है, लेकिन हायर गियर्स में जब आप पहुँचिएगा तो गाड़ी आपको ठीक ठाक पिकअप वगैरह जो भी है आपको प्रोवाइड करती है, ऐसा आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। लेकिन बात यही आता है कि अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड में आपको क्या है कि अगर आप मैग्नाइट खरीद लेते हैं तो आपको जाना पड़ेगा रांची सर्विस कराने। डाल्टनगंज में भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, लेकिन आपको बेसिक फैसिलिटी मिलेगा, यानी कि बेसिक सर्विस वगैरह, जनरल चेकअप्स वगैरह जो होता है वो उस टाइप का आपको समथिंग फैसिलिटी केवल देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ और बेहतरीन क्या हुआ कि जैसे हम लोग जब पिछले बार रांची से लौट रहे थे तो वहाँ पर कुछ रोड्स के बारे में हम लोग बताए थे, वो रोड तो क्रॉस कर लिए, अगले वीडियोज़ में आप देखिएगा आपको वो रोड भी देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट किए थे कि गाड़ी जो चल रहा है रोड वगैरह ख़राब है, SUV लेकर के बोला ये, तो अभी हमने देखा कि सारे जगह रोड्स का जो पैचेस है सबको भर दिया गया है, चाहे वो हमारे वीडियो से हो चाहे ना हो, जो भी हो, लेकिन रोड्स के पैचेस अब रांची आना जाना थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा, गाड़ी को आप आराम से लेकर आ सकते हैं, हरासमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, पैचेस के चलते गाड़ी में थोड़ा बहुत हरासमेंट भी आपको फील हो सकता है। अब बात करते हैं निसान मैग्नाइट का, लगभग आप समझ लिए कि अगर 1.2 लीटर लेंगे तो यही आपको पावर परफॉर्मेंस पिकअप मिलने वाला है। हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट पैच में चलते हैं, थोड़ा सा पिकअप देखते हैं 0 to 100 कैसे ये गाड़ी पहुंचती है, और आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पर हमेशा RR टायर प्रेशर लो, RR यानी कि राइट रेयर टायर प्रेशर लो आपको वार्निंग दे रहा है, लेकिन ये चीज़ है नहीं। तो थोड़ा सा आपको फीचरिस्टिक चीज़ में भी, आपको टेक्निकल चीज़ में भी गाड़ी में कुछ कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो गाड़ी ओवरऑल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी में आपको गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, इंजन आपको थोड़ा वीक मिलेगा 1.2 लीटर में आपको जब आप लोअर गियर्स में रहिएगा। हायर गियर्स में आपको इंजन अच्छा खासा आपको दिया जाता है, इंजन का अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छा खासा पावर मिलेगा, अच्छा खासा स्पीड मिलेगा गाड़ी की तरफ से,
और गाड़ी आपको चलाने में भी अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। आप कंपेयर कीजिएगा इसको पंच के साथ, अगर आप कंपेयर करते हैं कोई भी ऐसा इंजन जो वही सेम BHP का पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो इनिशियल गियर्स में तो नहीं बोलेंगे लेकिन हायर गियर्स में आप इसको कम्पीट कर सकते हैं वो सब गाड़ियों से। थोड़ा सा आपको चलाने में हेवियर साइड फील होने वाला है गाड़ी से, तो आपको चलाने में भी मज़ा आएगा और कंपैरिजन में भी आप ओवरऑल टॉप स्पीड वगैरह भी चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो ये है और यही इसी को कंपेयर किए हुए हम लोग ड्रैग रेस किए हुए हैं 1.2 लीटर का i20 का इंजन के साथ जो आपको Hyundai की तरफ से दिया जाता है, उसमें हम लोग ड्रैग रेस किए हुए हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंजन कितना पावरफुल है। टर्बो के साइड जाइएगा तो अच्छा खासा आपको उसमें अलग साइड से पावर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हल्का सा स्ट्रेट पैच है, हम लोग ट्राई कर देखते हैं 0-100 फटाक से। गाड़ी का ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छा खासा आपको दिया जाता है, हालांकि पीछे तो ड्रम ब्रेक्स ही दिए जाते हैं लेकिन ओवरऑल आपको ABS वगैरह दिया जाता है तो अच्छा खासा ब्रेकिंग दिया जाता है। तो हम लोग कंप्लीट गाइडेंस में कर रहे हैं तो कोई भी आप लोग ऐसा ट्राई ना करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, काउंट ऑफ 1, 2, 3 गो। आपको थोड़ा सा व्हील स्पिन महसूस होगा लेकिन जब आप हायर एक्सेलरेशन पे गियर चेंज कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा पावर गाड़ी डिलीवर करेगी। 0-100 भी टेस्ट करने में बोलेरो हम लोग से आगे निकल गई। तो फोर्थ गियर में भी हम लोग 100 पहुंच गया, तो आप टाइमर वगैरह चेक कर लीजिएगा किस कितना टाइम में ये कितने सेकंड में पहुंचा। लेकिन क्या महसूस हुआ इसमें, स्टार्टिंग में आपको व्हील स्पिन महसूस होगा लेकिन फिर गाड़ी हल्का सा पावर छोड़ेगी, फिर वो पावर पकड़ लेगी। जब RPM हाई है गाड़ी का तब आपको अच्छा खासा पावर देगी गाड़ी, लेकिन यही RPM लो है, आप जैसे भीड़ भाड़ में जब आप चलते हैं ट्रैफिक एरिया में चलते हैं तब आपको थोड़ा बहुत गाड़ी की तरफ से फीडबैक उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा गाड़ी थोड़ा सा ताकत छोड़ रही है, आपको RPM लूज़ कर रही है, गाड़ी में बबलिंग मिलेगा, इंजन का थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आप हल्का सा मैटर करेंगे अगर आप जाते हैं तो, आप टर्बो CVT की तरफ चल जाइए तो वो सारे चीज़ भी आपको क्लियर आउट हो जाएंगे। उसमें भी आपको 3 सिलेंडर मिलेगा लेकिन टर्बो चार्ज जो उसमें दिया जाता है वो आपको इम्प्रूव करेंगे पावर परफॉर्मेंस और गाड़ी का जो ओवरऑल सर्विस वगैरह जो होता है, सर्विस में भी आपको थोड़ा कॉस्टली जाएगा टर्बो अगर आप लेते हैं तो, लेकिन आपको ओवरऑल पावर परफॉर्मेंस पे गाड़ी थोड़ा ज़्यादा इससे बेटर आपको टर्बो की तरफ जाना चाहिए। और ओवरऑल अगर फीचर्स देखा जाए तो अच्छा खासा पैकेज है गाड़ी, आपको एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट जो लोग कहते हैं उस टाइप का लगभग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉम्पैक्ट SUV टाइप का आपको गाड़ी मिलता है साइज फिगर्स में, तो आप जा सकते हैं 7-7.5 लाख, 8 लाख में आपको टॉप एंड वेरिएंट तो नहीं लेकिन बेसेंट वेरिएंट तो ज़रूर मिल जाएगा। और उसमें आपको छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज करके आप ये स्क्रीन लगा लीजिए, स्पीकर्स लगा लीजिए, ये तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ये कम से कम कंपनी को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अब सारे गाड़ियों में इलेक्ट्रिक देते हैं, कुछ कुछ चीज़ को मैंडेटरी कर देना चाहिए ताकि जो बेसेंट वेरियंट्स भी है उसमें भी आपको बिकने में दिक्कत ना हो। चारों पावर विंडोज़ आपको इसमें दिए जाते हैं, एलिमिनेशन दिया जाता है और इसमें आपको लाइट्स तो हैलोजन दिए जाते हैं लेकिन जिनका यह गाड़ी है वो क्या किए हैं कि इसमें LED सेटअप डलवा दिए हैं। तो नाइट विज़न हम लोग कोशिश करेंगे रील्स के थ्रू आपको दिखाने का, तो इंस्टाग्राम पर हम लोग फॉलो कर लें ताकि आपको नाइट विज़न का वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द मिल जाएगा। आज हम लोग इसका नाइट विज़न भी टेस्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस यही था, कंक्लूजन यही कहेंगे कि मैग्नाइट अगर हायर गियर्स में है आपके लिए बेटर चॉइस, अगर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप लेते हैं, और यही अगर आपको लोअर गियर्स में रहिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बबलिंग महसूस होगा। आपको अगर पावर पिकअप पर टेस्ट कीजिएगा तो आपको इनिशियल में व्हील स्पिन होगा, अच्छा खासा आपको लगेगा कि पावर दे रही है गाड़ी, लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो नहीं मिलेगा इतने पैसे खर्च करने के बाद। ये चीज़ था, आप टर्बो की तरफ जाइए। अगर आपको एकदम नॉर्मल इंजन चाहिए, आपको एकदम स्मूथ इंजन चाहिए तो टर्बो की तरफ चल जाइए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिएगा, थोड़ा सा बबलिंग आपको मिलने वाला है। हायर गियर्स में ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज कॉन्फ़िगरेशन भी आपको नॉर्मल गियर्स में थोड़ा कम मिलेगा, सॉरी 1.2 लीटर वाले इंजन में आपको कम मिलेगा और 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन में आपको अच्छा खासा मिलेगा। उससे भी ऊपर जाइए तो टर्बो CVT में और भी अच्छा मिलेगा। हम लोग रियल लाइफ माइलेज निकाले हुए हैं, आराम से चलते हुए गाड़ी को अगर चलाते हैं लाइट पेडल पे आप तो आपको 20-21 का माइलेज आपको ऑटोमेटिक लोग समझते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 20-21 का माइलेज आपको गाड़ी निकाल कर दे देगी। और यही अगर आप मैनुअल में हैं इसमें तो इसमें हम लोग को लगता है हम लोग अभी लगभग 100-150 किलोमीटर गाड़ी को लेकर आ गए हैं, हम लोग को वही 12-13 का माइलेज गाड़ी निकाल कर दे रही है। तो माइलेज आपको कंसर्न हो सकता है थोड़ा बहुत, गाड़ी चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ओवरऑल निसान मैग्नाइट का ड्राइव इंप्रेशन कैसा लगा वो भी बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट्स आपको मिस ना हो, और अगला किस गाड़ी का हम लोग ड्राइव इंप्रेशन आपको दिखाएं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और फॉलो करना ना भूलें हमारे सोशल साइट्स को, इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट वहां पर भी देखने के लिए मिलते रहे। तो यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच, जब से करो साइनिंग आउट, जय